दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डेल कंपनी का इंस्पिरॉन 14 टू इन वन लैपटॉप लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की जो एमआरपी है वो भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये हमारे को 60,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। और सबसे खास बात यह है की ये डेल इंस्पिरॉन 14 लैपटॉप टू इन वन लैपटॉप है, मतलब हम इसे कीबोर्ड से तो हैंडल कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये एक टच स्क्रीन लैपटॉप होने वाला है। दोस्तों, आप इस टच स्क्रीन का नाम सुनकर अंदाजा लगा सकते हो कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस डेल 2-in-1 लैपटॉप की कुछ फोटोज को दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका जो लुक है कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब ये दिखने में कुछ इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले इस डेल इंस्पिरॉन 14 2-in-1 लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले होगा एंड होम स्क्रीन पर विंडो 10 इंस्टॉलेड मिलेगी। अगर आपको विंडो 11 अपग्रेड चाहिए तो आप फ्री में विंडो 11 इंस्टॉलेड करवा सकते हो और इसके साथ साथ MS Office इंस्टॉलेड मिलेगा। और इसका जो डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन होगा, मतलब हम इसे लैपटॉप की तरह और इसके साथ साथ ही टैब मतलब टैबलेट की तरह यूज कर सकते हैं। और लैपटॉप को फ्रंट साइड पर देखने पर जो इसके नैरो ब्लेंज है वो नॉर्मल से थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इस लैपटॉप की जो सेफ्टी है उसके लिए जो नैरो ब्लेंज है वो थोड़े बहुत बढ़ा दिए हैं। और फ्रंट साइड के अंदर ऊपर की तरफ हमारे को 720 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला एक वेबकैम मिल जाएगा और इसके साथ साथ ही हमारे को माइक्रोफोन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छी है। अगर आप इस लैपटॉप को 360 डिग्री पर फोल्ड करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही अगर आप इस लैपटॉप की स्क्रीन को पकड़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जो स्क्रीन के डैमेज होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। और जो इसका कलर है वो प्लेटिनम सिल्वर कलर होगा। तो चलिए अब हम इसके रैम प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसर के अंदर 11 जनरेशन का कोर i3 प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसकी क्लॉक स्पीड मैक्सिमम 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक होगी एंड ग्राफिक के अंदर इंटेल का UHD विद शेयर्ड ग्राफिक होगा एंड रैम RGB DDR4 रैम मिल जाएगी एंड स्टोरेज के अंदर 512 GB की NVMe SSD हार्ड ड्राइव अवेलेबल होगी। तो दोस्तों, इसकी रैम स्टोरेज काफी अच्छी है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो हमारे को इंटेल का कोर i3 मिल रहा है। अगर इसकी जगह कोर i5 प्रोसेसर होता तो वो बहुत ही अच्छा होता। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लैपटॉप है जिनका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक होता है और जो प्रोसेसर है वो बहुत ही घटिया वाला होता है एंड रैम 4GB और स्टोरेज 256GB के अराउंड होता है। तो फ्रेंड्स, आप वैसे लैपटॉप मत परचेज करना, ये जो लैपटॉप है ये उनसे अच्छा है। अच्छा क्या है, काफी अच्छा लैपटॉप है। तो चलिए अब हम इसके कुछ बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे को 3 सेल की बैटरी मिल जाएगी, जिसका चार्जर डेप्थ 65 वाट का होगा, मतलब हम इसे 0 से 18% ओनली 16 मिनट के अंदर कर सकते हैं, मतलब 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। अगर हम बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इस डेल लैपटॉप का बैटरी बैकअप इजिली 5 से 7 घंटे तक होगा। तो दोस्तों, इसके बैटरी बैकअप के अंदर मेरे को कुछ डाउट लग रही है, मतलब ये एक 2-in-1 लैपटॉप है तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो 5 से 7 घंटे तक नहीं बल्कि 4 घंटे तक मिलेगा। अगर हम इसमें गेमिंग एंड बिजनेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले गेमिंग, तो हम इसमें पबजी एंड फ्री फायर जैसे गेमिंग कर सकते हैं, हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड बिजनेस के अंदर भी हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप एक अच्छा सा लैपटॉप को बाय करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप उनको इजीली वॉच कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस इंस्पिरॉन 14 लैपटॉप के पोर्ट एंड अदर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर ये हमारे को 1 साल की फ्री वारंटी दिलवा रहा है और नंबर 2 पर डेल कंपनी हमारे को एक्टिव पेन देगी और नंबर 3 पर हमारे को HDMI पोर्ट और USB पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट और इसके साथ साथ ही SD कार्ड पोर्ट मिल जाएंगे और नंबर 4 पर इसके जो स्पीकर है वो स्टीरियो इन बिल्ट स्पीकर होंगे और नंबर 5 पर इस डेल लैपटॉप का जो वेट है वो 1.5 किलोग्राम के अराउंड होगा। तो दोस्तों, इस डेल इंस्पिरॉन 14 लैपटॉप के अंदर हमारे को पोर्ट एंड फीचर काफी अच्छे मिल जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि डेल कंपनी हमारे को फ्री डिलीवरी दे रही है, मतलब होम डिलीवरी फ्री है। अगर डिलीवरी के समय डैमेज हो जाए या फिर लैपटॉप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो 7 दिन के अंदर हम इसे रिप्लेस करवा सकते हैं और इसके साथ साथ ही हम इस लैपटॉप को टच स्क्रीन से भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पॉइंट है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसके कुछ प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस डेल इंस्पिरॉन 14 2-in-1 लैपटॉप का इंडिया के अंदर प्राइस 60,500 रुपीज के अंडर होगा। दोस्तों, अब इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो ये काफी अच्छा लैपटॉप है। अगर आप इसे बाय या फिर आप इसे चेकआउट करना चाहते हो तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सेवा भाई इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहता है। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।